कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और आंखों देखा उन महापुरुषों का विवरण उनकी अमृतवाणी में, वो भी प्रमाण आपको दिया जाएगा जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। अब परमेश्वर कबीर जी ने यही कथा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सुनाई थी, जो बांधवगढ़ के रहने वाले थे। क्या बताया था? धर्मदास ये जग बौरा ना कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए एक राम नियारा। यही कथा जग जीव सुनावो सब जीवों का भरम नसाओ। परमेश्वर कबीर जी ने ये सत्य कथा आज से 600 वर्ष पूर्व लगभग अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास नामक एक बहुत श्रेष्ठ आत्मा को सुनाई थी। और 600 वर्ष पहले पूरा मानव समाज अशिक्षित था, केवल एक ब्राह्मण वर्ग, विशेषकर हिंदुओं में एक ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकारी था। अन्य को संस्कृत, किसी अन्य जाति वाले को संस्कृत पढ़ना अलाउड नहीं था। और यह बिजली इसलिए गिरी रही, संज्ञान का हमारे ऊपर इतना साया छाया रहा कि हम सदग्रंथों को देख नहीं सकते थे, ना पढ़ सकते थे, हमें कोई आज्ञा नहीं थी। एक कड़ौली गांव है यहाँ हरियाणा में, कड़ौली खरखोदे के पास, वहाँ का एक जाट का लड़का, कड़ौली गांव का एक किसान का पुत्र होनहार था। उसने सोचा भी, कहते हैं वेद और सदग्रंथ शास्त्र गीता जी, इनके अंदर बड़ा गूढ़ रहस्य लिखा हुआ है, और मैं उस गूढ़ रहस्य को जानूं और फिर सबको निस्वार्थ भाव से बताऊं। ये ब्राह्मण लोग तो अपने रोजी रोटी के लिए ही क्रियाएं करते रहते हैं। तो उसके सामने समस्या आई कि भाई संस्कृत भाषा का जानना अति आवश्यक है, और संस्कृत भाषा को मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि अलाउड नहीं। तो उसने क्या सोचा भी कोई बात नहीं, एक अच्छे काम के लिए थोड़ा सा सहारा और ले लेते हैं झूठ का। उसने अपने गांव में, उस समय नंबरदार वगैरह होते थे, वो अशिक्षित ही होते थे, जो मुखिया होते थे वो अशिक्षित होते थे। और वो बच्चा पढ़ रहा था, वो 5-10 5-4 कक्षा पढ़ लिया था, पढ़ चुका था। तो उसने, तो उसमें क्या होता था कि काशी विद्यापीठ में ही संस्कृत पढ़ाई जाती थी, केवल ब्राह्मण जाति वालों को ही पढ़ाई जाती थी। और वो गांव से, सरपंच से, मुखिया से वो प्रमाण पत्र लेकर जाते थे कि ये इस गांव का वासी है, ब्राह्मण जाति से संबंध रखता है। तो उस निश्चल दास ने अपने गांव के मुखिया से आप पे एक लिख के सारी कथा, भाई मैं ये निश्चल दास पुत्र फलाना गांव ये, और ये इस ब्राह्मण जाति से संबंध रखता, ऐसा सर्टिफिकेट बनवा लिया और उसका अंगूठा टिकवा लिया मुखिया का, और जाके वहाँ शिक्षा में प्रवेश पा लिया काशी विद्यापीठ में। और होनहार बालक था, सभी से एक नंबर पर आवा था प्रत्येक कक्षा में। जब उसकी शिक्षा पूरी हो ली तो निश्चल दास ने वहाँ से आना था, तो वहाँ का जो प्राचार्य था, प्रिंसिपल जो था उस काशी विद्यापीठ का, उसके लड़की शादी योग्य होगी थी। उसने सोचा कि ये लड़का बड़ा होनहार है निश्चल, और इससे मैं अपनी लड़की की का ब्याह कर दूं, क्योंकि उस समय रोजी रोटी ब्राह्मणों का उद्देश्य यही था
कि वहाँ से काशी विद्यापीठ पढ़कर जो जाता है ब्राह्मण, तो उससे लोग सबसे ज़्यादा हवन करवाते हैं और वो ज़्यादा कमाई करता है, ज़्यादा धन कमाता है। जैसे आजकल डॉक्टरों का, बच्चे जो MBBS करते हैं, उनका मूल्य मुख्य उद्देश्य केवल माया जोड़ना ही है, और किसी के उनको कोई उद्देश्य नहीं, कोई ठीक हो या ना हो। ठीक है, ठीक करेंगे तो उनकी रोजी अच्छी चलेगी दुकान, इसलिए वो दवाइयाँ अच्छी देते हैं, लेकिन मूल का उद्देश्य उनका धन ऐंठना ही होता है। वहीं से टारगेट बन जाता है उनका कि या तो नौकरी मिलगी, नौकरी ना मिली दुकान खोल लूँगा, 200 रुपये बेड के लिया करूँगा, 1 राउंड के 500 लूँगा, यानी 9 जुगाड़ जोड़ेंगे। तो ऐसे ही ये ब्राह्मण लोग काशी विद्यापीठ पढ़कर जो आता था, लोग उस पर आकर्षित होते थे और उससे सबसे ज़्यादा कथाएँ करवाते थे, और वो खूब नरक डोया करता, नरक, क्योंकि ज्ञान अज्ञान, ज्ञान था नहीं, अज्ञान प्रचार करने का पाप होता उन पर, और फिर उद्देश्य उनका कमजोर था, धन इकट्ठा करना ही था। इस उद्देश्य से प्रिंसिपल ने उस बच्चे से कहा कि बेटा तुम अब कुछ गुरुदक्षिणा भी तो दो, आप जा रहे हो। निश्चल दास ने कहा कि जो मांगो गुरुदेव, आपका बच्चा हाजिर है, गरीब व्यक्ति आपको क्या दे सकता हूँ। तो उसने कहा तू वचनबद्ध हो, अकजी जो आप कहोगे वही हो गया, मैं वचनबद्ध हो गया कि भाई मैं अपनी लड़की का ब्याह तेरे से करना चाहता हूँ। अब फंस गया धर्म संकट में, क्योंकि उसमें ब्राह्मण लोग अपनी बेटी का ब्याह किसी अन्य जाति में नहीं कर सकते, करते थे, सारा समाज उलट हो जाता, हंगामा खड़ा हो जाता था, और ऐसी एक भी कुरीति थी कि लड़की अगर विधवा हो जाती है तो भी उसका ब्याह दोबारा पुनर् नहीं किया करते थे। तो अब धर्म संकट में फंस गया निश्चल। निश्चल ने कहा कि गुरुदेव एक मैं आपसे एक सच्ची कथा सुनाना चाहता हूँ, सारी बात बता दी कि गुरुदेव मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं उस गांव का जाट का लड़का हूँ, किसान का, और मैंने मेरी इच्छा थी कि मैं संस्कृत पढ़ूँ और सदग्रंथों को समझूँ और निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करूँ, इसलिए मैंने झूठा सर्टिफिकेट गांव से बनवा कर प्रवेश पाया था। अब आपकी इच्छा, जो सजा दो, दास हाजिर है। अब वो ब्राह्मण लाल पीला हो गया और कहा कि तू वचनबद्ध हो। अक हो गया गुरुजी वचनबद्ध कि संस्कृत भाषा में तो कोई प्रवचन नहीं करेगा और संस्कृत भाषा में कोई व्याख्या नहीं करेगा, और ना संस्कृत भाषा पढ़ेगा ना ग्रंथ पढ़ेगा। कहने लगा जी जो आपकी आज्ञा, मैं संस्कृत भाषा नहीं बोलूंगा ना पढ़ूंगा। और श्राप दे दिया कि तुझे 3 ताप के अंतर्गत रोजाना पीड़ा होगी, यानी 1 घड़ी रोजाना बुखार आया करेगा तुझे। अपने आत्माओं, ये जो अच्छी आत्माएं होती हैं, जो पिछले जन्मों की बैटरी चार्ज होती है उनकी, वो इन्हों बर्बाद करते हैं अपने पुण्यों को, किसी को आशीर्वाद दे के, किसी को श्राप दे के, फिर वो न्यू खाली हो जाते हैं। तो थोड़ी बहुत उसने कमाई थी, उसके आधार से उस पर वो असर हो गया। उस निश्चल दास को आजीवन पूरे 1 दिन में 1 घंटा और 1 घड़ी यानी 20-22 मिनट रोजाना बुखार आता था, बहुत तेज, और बहुत तंग होता था वो लड़का। तो निश्चल दास ने उसके बाद, वो फिर दादू पंथ में चले गए, परमेश्वर कबीर जी दादू साहेब जी को मिले थे, तो निश्चल दास जी दादू पंथ में जाके अपनी जो जैसा उनको ज्ञान था वहाँ से ज्ञान ग्रहण किया, और फिर अपना एक निश्चल ग्रंथ बनाया था। उसने संत वाणी, संत भाषा में लिखा, जैसे कबीर जी की वाणी है, गरीबदास जी की वाणी है, ऐसे उसने कुछ अपना अनुभव लिखा। वो अलग बात है, उसने कितना जाना कितना समझा प्रभु को, वो बहुत अच्छा नहीं था। ये दास ने पढ़ा, उसको खूब देखा, हस्तलिखित भी देखा, फिर भी अपना उद्देश्य ये कहने का ये है दास को कि ये बिजली न्यू गिरी रही कि पहले एक भाषा, संस्कृत भाषा को पढ़ने का केवल ब्राह्मण वर्ग को अधिकार था,
और इस ब्राह्मण वर्ग को कह कह का भी नहीं पता था, इन सदग्रंथों में लिखा कि सिर्फ संस्कृत घोट दिया करते, व्याकरण को आधार मान लेते, एक दूसरे से शास्त्रार्थ करते रहते, आपस में जो न गटमिट करी जनता ने स्वीकार कर ली। तो परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले ये यथार्थ ज्ञान दिया करते थे, जो ये दास आज उस परमेश्वर की लिखी हुई समरवाणी तो 600 वर्ष पहले धर्मदास जी द्वारा लिपिबद्ध की गई थी, वो आज सुना रहा है पढ़ के। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। परमात्मा कहते हैं कि प्यारी आत्मा धर्मदास जी, ये पूरा विश्व विचलित है, किसी के पास भी पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं है, कंप्लीट ज्ञान नहीं है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, ध्यात्म ज्ञान, और सब भ्रमित हैं। इसलिए मैंने तेरे को ये सृष्टि रचना सुनाई, और इस सृष्टि रचना को तू सबको सुना, और सबका भ्रम मिटा, सबको संशय रहित कर, और इसी से होंगे। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भ्रम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, इस तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। परमेश्वर कबीर जी और धर्मदास जी का जो वार्ता हुई थी, उसमें धर्मदास जी पहले हिंदू, पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम पावर मानना था, अजरो अमर कहा करता था कि इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय कालंजय, और ये सर्वेश्वर, इनकी कोई माता पिता नहीं। परमेश्वर ने फिर उनको वो ज्ञान दिखाया और फिर वो स्थान दिखाया, अपनी शक्ति से सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति पूरे ब्रह्मंडों में दिखाई, कहाँ कहाँ ये कितनी पावर रखते हैं। तब धर्मदास के समझ में आई, होय होय। तो अब परमात्मा कहते हैं कि इस तेरे तीनों भगवाना का जन्म बताता हूँ, क्यों हुआ, कैसे हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश का। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कुछ संक्षेप में बताऊँगा, संक्षिप्त में, और इससे मैं बुद्धिमान व्यक्ति के सारे संशय नष्ट हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। भाई भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जान्या, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरलो जाने। आदि राम, आदि पुरुष, सबसे पहला प्रभु, प्रिभु, स्वयंभू, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के 40 के मंत्र 8 में उस परमेश्वर कबीर देव की महिमा बताई है कि वो सप्रियागात शुक्रम कायम ऐसनाविरम अवर्णम अबिंदम अछेदम स्वयंभू परिभू व्यवधाता यथा तथ्य अर्थान, यानी वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर मनीषी, वो कबीर महाविद्वान है, वो कबीर देव, उसकी काया माता पिता के योग से बने हुए शुक्र से नहीं है, शुक्र अकायम ऐसनाविरम, उसका शरीर नाड़ी से बना हुआ नहीं है, वो स्वयंभू है और परिभू है सबसे पहला, यानी आदि पुरुष वही है, परिभू माने आदि पुरुष, सबसे पहला प्रभु, पूर्ण प्रभु। तो क्या बताते हैं, आदि राम कोई बिरला जाने, और भ्रम गए जग वेद पुराणा, वेद और पुराणों को पढ़कर ये सब भ्रमित है, क्योंकि पवित्र चारों वेदों में जो ज्ञान है वो ब्रह्म के सत्र का है, यानी भक्ति विधि तो ब्रह्म के सत्र की है, इस ज्योति निरंजन तक की, और उसमें डिटेल वैसे पूर्ण परमात्मा की बहुत दे रखी है, लेकिन अंत में वेदों में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि उस पूर्ण परमात्मा की यथार्थ स्थिति को हम नहीं जानते,
उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक पूरा विवरण दिया है उन तत्वदर्शी संतों का। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में यही विवरण है। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि जिस सचिदानंद घन की वाणी अर्थात उस तत्व ज्ञान के विषय में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वर्णन दिया है, उस तत्व ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान को बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता जो ज्ञान दे रहा है गीता जी में वो कंप्लीट नहीं है, और वो यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान उससे भिन्न है, उसको तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उसकी पहचान बताई है कि जो संत इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, जिसकी ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा है, इनको सब डिटेल से बताएगा, विस्तार से नारा नारा भिन्न भिन्न ज्ञान कराएगा। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो ये भूमिका परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले की थी, और क्या बताया था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। एक शब्द में, एक ही दोहे में परमात्मा ने ये सृष्टि रचना अर्थात संसार की स्थिति बता दी। ये देखिएगा परमात्मा ने क्या बताया कबीर जी ने, ये पूरा एक पेड़ है, और ये जो जड़ है ये गुप्त है, जमीन के अंदर होती है। इस जमीन से बाहर की, बाहर जो पेड़ नजर आता है जो हिस्सा, इसको वृक्ष बोलते हैं, पेड़। तो परमेश्वर ने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी ये जो तना है इसको अक्षर पुरुष बोलते हैं। ये ज्योति निरंजन है, जो उसमें जाकर सो गया था सरोवर में, वो अक्षर पुरुष है। और फिर उस आगे ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन, ये ज्योति निरंजन उसकी डार, यानी जैसे तना से आगे मोटी मोटी डार कई हो जाती हैं, उनमें से एक डार है ज्योति निरंजन। और ये तीनों देवा शाखा है भाई पाते रूप संसारे, के तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तो शाखाएं हैं, और ये पात रूप संसार। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तथा 16-17, इस 16-17 में तीनों भगवानों के विषय में जानकारी दे रखी है। ये अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो या परब्रह्म कहो, ये तना समझो, और क्षर पुरुष कहो अर्थात या क्षर ब्रह्म कहो, क्षर पुरुष कहो या काल ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, ये डार है, ये डार। और ये तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, ये शाखा है, और ये पात रूप संसार। पुणात्माओं, अब ये क्लियर होगा कंसेप्ट कि परमात्मा ही अपनी महिमा को, अपने द्वारा रची सृष्टि को ठीक ठीक बताता है। ऋग्वेद अथर्वेद कांड नंबर 4 के श्लोक अनुवाक नंबर 1 के मंत्र, उसमें सात मंत्र हैं अनुवाक 1 में कांड नंबर 4 के, उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि परमात्मा ने पहले ऐसा रचना की, फिर उसकी रचना की, फिर सभी ब्रह्मांड जो छोटे मोटे जितने हैं सब काल के या ऊपर के, उसी ने सब की रचना की, और अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमेश्वर कबीर देव ही स्वयं आकर के ठीक ठीक बताता है। वो सतलोक से चलकर आता है, उसको कोई पहचान नहीं पाता, क्योंकि वो एक कवि की भूमिका करता है। लोग उसको कवि कहने लग जाते हैं, लेकिन वो भगवान होता है, परमेश्वर होता है, ये चारों वेद बताते हैं ऐसे। इसका
तो इसके लिए थोड़ा सा हमने अपने पवित्र सदग्रंथों का सहारा साथ साथ लेना पड़ेगा। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके हम अध्याय नंबर 4 दिखाते हैं। इसमें 32 नंबर श्लोक में मन क्या कहा है कि जो हमने जो पहले वर्ण किया है 25 से लेकर 30 31 तक, उसके अतिरिक्त बहुत इस प्रकार और भी उनके अतिरिक्त और भी बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी। यहाँ इन्होंने थोड़ी सी अनुवाद में गलती की है, ब्रह्मणे मुखे कार्य लिख दिया वेद की वाणी, नहीं ये ब्रह्मणे कार्य है सचिदानंद घन परमेश्वर की वाणी यानी सूक्ष्म वेद में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान यानी क्रिया कर कर ही वो संपन्न होते हैं होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा यानी सूक्ष्म वेद से सचिदानंद घन की वाणी के अनुसार जो साधना करने से तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इसका कंसेप्ट क्लियर होगा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक तक, ये देखो 17वां अध्याय का 23वां श्लोक अध्याय नंबर 17 इसका श्लोक नंबर 23। इसमें यह ब्रह्मणे शब्द हमने देखना, ब्रह्मणे शब्द ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। अभी इन्होंने स्वयं अनुवाद किया है ओम तत्सत, ऐसे ये तीन प्रकार का ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का, सचिदानंद घन ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन नोट वेद, यह इन्होंने गलत अनुवाद किया है। देखिए ये चौथे अध्याय का 32वें श्लोक में इन्होंने जहाँ, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं था, अनुवाद करने बैठ गए अड़ंगा कर दिया। इस प्रकार और भी जो पहले कहे उनसे अतिरिक्त बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान सचिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको यानी शारीरिक क्रियाएं द्वारा होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इस सचिदानंद घन यानी तत्व वेद है, यो ये सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है, इस तत्व ज्ञान को कहाँ प्राप्त कर, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ये देखो, ये 34वें अध्याय का ये 34वां श्लोक, उस ज्ञान को जो सचिदानंद घन की वाणी में है कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से, नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी ने परमात्म तत्व को भलीभांति जानने वाले यानी तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ओह इसे सिद्ध है कि वेद ज्ञान दाता जो बोल रहा है उससे अलग है, वो सचिदानंद घन की वाणी या कबीर वाणी है, ये कबीर वाणी है वो, और वो परमात्मा अपनी वाणी द्वारा एक कवि रूप में प्रकट होकर उस कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, पदावलियों के माध्यम से अपनी महिमा का वर्णन करता है। वो एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करता है, उसको लोग कवि कहने लग जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा होता है, वो तीसरे धाम में रहता है सतलोक में, और वहाँ से चलकर यहाँ आता अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित करवा कर फिर अपना गवाह बनाता है।
ये प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1-2-3 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि वो उस परमात्मा का क्या नाम है। ये प्रश्न किया गया 96 सूक्त नंबर 96 के श्लोक नंबर 16 में, 17 में उसका उत्तर दिया है कि वो कबीर परमात्मा है और कबीर वाणी के माध्यम से कबीर गिर भी और कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा के अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार करता है। इस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है और उस कवि द्वारा, उस ऋषि कहो चाहे कवि संत कहो, वो संत रूप में भी होता है, वो ऋषि भी कहलाता है। उस संत यानी ऋषि कृत जो वाणी है वो उनके अनुयायियों के लिए बहुत आनंददायक होती है, ऐसा अनुवर्णन है। अभी हम आपको दिखाते हैं तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अपुण्यात्माओं, आज का जो प्रसंग है कि आपका पुण्य भाग है कि आपको अब ये समय मिला है, आपको जन्म मिला है ऐसे समय में कि अब परमात्मा मिलेगा। क्योंकि हम सदग्रंथों को आँखों देखकर और उस परमेश्वर के तत्व ज्ञान पर विश्वास कर पाएंगे, हम अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे थे इस परमेश्वर की वाणी में। 600 वर्ष पहले बोली थी, आज सब सदग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं। जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, आज वो सतग्रंथ ही उस परमेश्वर की अमर वाणी को सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। अब देखो 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र अथ पंच दशो यानी 15वां अध्याय, इसमें क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वथम प्राहु अवयम। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये अविनाशी पीपल जैसा संसार रूपी वृक्ष, अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद, और इसके जो पत्ते आदि हैं ये सब विभाग छंद माने, ये छंद इसमें स्थान स्थान पर सेंटेंस पर निर्भर करता है। छंद माने अलग अलग टुकड़े, छंद जो होते हैं वो अपने हिसाब के होते हैं, तो छंद माने अलग से जो टुकड़े पूरे विभाग बता देगा कि उसका तना क्या है, उसकी डार क्या है, शाखा कौन है और पत्ते किसको कहते हैं। सवेदवित, ये देखो ऊर्ध्वमूलम अध शाखम अश्वथम प्राहु अवयम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद। ये माने जो, तम माने उस छुपे हुए अंधकार, अज्ञान रूप अंधकार में छुपे हुए को जानता है, यानी जिसको कोई नहीं जानता, उस अज्ञान के कारण उसको जानता है। वेद माने जानना होता है, ज्ञान है जिसको। सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है जो इन सब उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को पत्तों सहित बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, ये पहचान है। अब देखो पढ़ के, आदि पुरुष परमेश्वर, यानी अनुवादक यहाँ ठीक बोल रहा है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ये पूर्ण परमात्मा तो इसका जड़ है। पूर्ण परमात्मा जो जड़ है वो समझो पूर्ण परमात्मा है। ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, ऊपर तो ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर, आदि राम, आदि पुरुष, आदि भगवान, तो ये जड़ है। आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले यानी संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म, ये तो समझो जड़ है, मूल ये जड़ है, और नीचे को शाखा है। इसके विषय में अनुवादकर्ता विचलित है, आगे देखिएगा।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 हम पढ़ रहे हैं प्रथम मंत्र। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले आदि राम रूपी तो समझो जड़ हैं, जहां से पूरे तने को खुराक आती है, आहार मिलता है। और अध्य साखम यहां विचलित है, ये ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। देखो अध्य माने अध्य देखेंगे हम, अध्य शाखा कर तो ने शाखा ठीक किया है लेकिन अध्य में विचलित है। इसी के दो नंबर मंत्र में, पंद्रहवें अध्याय के दो नंबर मंत्र में अध्य दो बार लिखा है, इसका अनुवाद यहां किया है। अध्य माने नीचे, अध्य और अध्य माने नीचे, यानी अध्य का अर्थ नीचे है। तो हम यहां ठीक अनुवाद कर लेंगे क्योंकि इनका उलझाया बात है, हमने सुलझाना है इसको। ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये तो बिल्कुल ठीक बोला है कि वो मूल जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की, वो तो पूर्ण परमात्मा समझो, आदि राम समझो। और अध्य शाखम नीचे को शाखा वाले, ब्रह्मा रूप रूप मुख्य शाखा नहीं, नीचे को शाखा वाले, ये तीनों गुण रूपी शाखा है। संसार रूपी पीपल वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद यहाँ छंदासी का अर्थ ने वेद कर दिया, नहीं, छंदासी यस्के, छंदासी यस्य प्रणानी, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, नहीं। चलो जैसे भी हम अपना उद्देश्य समझेंगे, उस संसार रूप वृक्ष को यानी पूरे सभी विभागों को जो मूल सहित यानी जड़ से लेकर जड़ सहित जानता है, तत्व से जानता है, सैवेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अपुनात्मा आगे देखे इसमें क्या लिखा है कि तस्य मन उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से बढ़ी हुई नहीं, तो जैसे भी शाखा विषय पर वाला शाखा, ये तीनों इन्होंने अनुवाद गलत किया है। ये तीनों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखा लिखना था, इन्होंने किया है विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और त्रिरेक आदि योनिया योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं है, केवल ऊर्ध्व वन ऊपर और फैली हुई, अर्ध्व वन नीचे और ऊपर फैली। और मूल श्लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली या कर्मों में फंसाए रखने के का भी मुख्य कारण ये तीनों गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण रूपी शाखा ही हैं। अहमता ममता वासना रूपी जड़े नहीं, ये मूलानी, ये तीनों गुण हैं, तीनों गुण, देखो ये लिखा है तीनों गुण रूपी शाखाएं, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई है। और इस मनुष्य जीवन में, मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी पर कर्मा के अनुसार बांधने वाली यानी फंसाने के मुख्य कारण भी यही है, मुख्य मूलानी यानी जड़ हैं, ये खास कारण है, ये हमें फंसाने की मुख्य कारण तो ये भी यही है, या बांधे रखते हैं नीचे और ऊपर व्याप्त हैं, सभी लोकों में नहीं है, तीन लोकों में। अपुनात्मा अब ये भी कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि गीता ज्ञानदाता कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता इस सृष्टि रचना के बारे में। पंद्रहवें अध्याय के तीसरे श्लोक में ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि यहाँ तेरे और मेरे डिस्कशन में, तेरे और मेरे इस विवेचन में, इस गीता ज्ञान में, इस सृष्टि रचना का मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है, मैं ठीक से नहीं जानता। देखो पंद्रह अध्याय का तीसरा श्लोक गीता जी का पढ़ रहे हो, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहाँ वैसा यहाँ विचार काल में अर्थात तेरे मेरे डिस्कशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसको आदि है और न इसका अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, क्योंकि जड़ रूपी जो स्थान है, जो भगवान है, वो आदरो अमर है, विरूढ़ सुविरूढ़ यानी दृढ़ है, अहमता ममता ये इनकी अपना सोच है वासना नहीं, अति अति दृढ़ मूल वाले, इसलिए इस अति दृढ़ मूल वाले यानी वृक्ष को, इस अश्वत्थम संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन असंग शस्त्रेन छित्वा, अनुवाद गलत है यहाँ का, दृढ़ यानी उस जो
अटल ज्ञान है, तत्वदर्शी तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के। इन्होंने गलत किया, वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, था तत्वदर्शी संतों से वो ज्ञान समझ कर, उसके पश्चात चौथे अध्याय में ना पंद्रह में जाएंगे, चौथे श्लोक में, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस संसार पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। यह स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा है, और उसी ने सारी सृष्टि की रचना की है, उसके तत्व ज्ञान को और सृष्टि रचना को वेद गीता ज्ञानदाता नहीं जानता, उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संतों को ढूंढो खोजो, और वो तत्वदर्शी संत कैसे होंगे, वो प्रमाण पंद्रह में जाके प्रथम श्लोक में देंगे। अब परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार, और इस दास ने भी मौखिक कथा सुनाई परमेश्वर कबीर जी द्वारा 600 वर्ष पहले बताई हुई अपने अमृतवाणी से, कि तीन परमात्मा, एक परम अक्षर पुरुष, ये तो पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष कबीर जी है, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और सर पुरुष ये ज्योति निरंजन ब्रह्म है, ये तीन परमात्माओं की सचिति है। अब आपको गीता जी, पवित्र गीता जी में क्लियर करते हैं। अब देखिएगा, तीन परमात्माओं की नारी नारी सती थी, जो परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र संसार। अब यहाँ सबसे पहले एक और आपको क्लियर करना बताना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, पुणात्माओं ये ऐसा ज्ञान है कि अभी तक किसी के पास नहीं पहुँचा, और प्रत्येक प्राणी उसी समय मान पाएगा, वो अपनी आँखों प्रमाण देख लेगा, और बुद्धिमान व्यक्ति प्रमाण देखने के बाद मान जाया करते हैं, और मूड नहीं माना करते, तो मूडों से हमारा कोई लेन देन भी नहीं है। अब सबसे पहले प्रमाणित करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तब ये परमेश्वर का ज्ञान आप जी के हृदय में समा होगा। श्रीमद् देवी भागवत देखिएगा, इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों हैं, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी भाषा टीका सहित प्रथम भाग, ये कहाँ से प्रकाशित है, अथ श्री देवी भागवतम भाषा टीका सभाष टीकम सहमातम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4। अब इसके तीसरे स्कंद में अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते, यह तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है, और इसके प्रश्न नंबर 11 पर है, अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 8 में, अध्याय 5 तीसरा स्कंद भाषा टीका सहित तृतीय स्कंद, और 8वां मंत्र है ये, 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है, भगवान शिवजी बोल रहे हैं, शंकर भगवान, हे मातर यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है, यानी मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया। अब संस्कार देखिए, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां श्लोक प्रारंभ हुआ, यदि दया धर्मनान सदा अम्बिके, यदि आप सदा दयालु हो तो न सदा अम्बिके कथम अहम विहित चय, मुझे क्यों बना दिया तमोगुण, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बनाया, और सुविहित किमु सतोगुण हरि, और तुमने विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। कति कंसेप्ट क्लियर होगा, हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ ली,
क्योंकि दोनों की लिपि नागरी है और हम नागरी लिपि से खूब परिचित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदू हैं। वैसे तो संत हमें एक ही प्लेटफार्म पर खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इस ज्ञान के प्रारंभ में ऐसे ही ये ज्ञान चलेगा। इसके साथ साथ अनुवादकर्ताओं ने देवी भागवत में सही खुल कर नहीं कर पाए, फिर भी उस सच्चाई को छुपा नहीं सके। देखिए श्री मद देवी भागवत, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक एथेंटिक रिकॉर्ड है। इसको देखने के बाद वो खुश होकर मान लेते हैं कि जब इसमें भी लिखा है तो सत्य है। श्रीमद देवी भागवत पर संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर तीसरे स्कंद में ये देखिएगा, ये 123 पृष्ठ पे और तीसरा स्कंद अध्याय 5 है, क्योंकि यहां अध्याय 120 पृष्ठ पे अध्याय 1 और 3 समाप्त होगी। ऊपर यहां से शुरू होते हैं ये 4 और 5, तो ये 5वां अध्याय है, ये चल रहा है 100 तीसरा स्कंद। तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे विष्णु जी बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव यानी जन्म और त्रोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति प्रकृति दुर्गा को बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये आपका गीता जी में काम आओगा जब दास आपको गीता जी में सृष्टि रचना प्रमाण करेगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात ब्रह्मा भी आपका बेटा, विष्णु भी आपका बेटा और मैं शंकर भी आपका पुत्र है, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। आगे देख, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं, यानी इससे सिद्ध हो गया तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है या प्रकृति देवी है, शेरा वाली है, अष्टंगी है। अब आपको सुनाएंगे 15वें अध्याय का 16 और 17 श्लोक में। ये तो क्लियर हो गया रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और परमात्मा ने अपनी अमर वाणी में सच्चिदानंद घन की वाणी में बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ये ज्योति निरंजन काल, इसकी डार तना तो अक्षर पुरुष है और डार ये क्षर पुरुष, और तीनों देवा शाखा है वाई पात रूप संसार, तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तो शाखा है और पात रूप संसार, और वो जो परोक्ष प्रभु है जो गुप्त है दिखाई नहीं देता वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के प्रथम मंत्र में प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी बताई है कि उसको जानने के बाद और अखिल यानी पूरे ध्यात्म ज्ञान को समझने के पश्चात ये प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की मांग नहीं करता, केवल जरा और मृत्यु यानी बुढ़ापे और मृत्यु से भयभीत होकर इससे छूटने का ही प्रयत्न करता है,
तो आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। आठवें अध्याय के गीता जी के तीसरे श्लोक में मंत्र में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इससे संबंधित है इसलिए आठवां अध्याय आपको दिखाना पड़ेगा। पुणात्माओं आप बालक नहीं हो, अब वो समय आ गया है कि मानव बहुत इंटेलिजेंट हो गया और उस इंटेलिजेंसी को हम दुरुपयोग कर रहे हैं। कितना परमाणु बम बना के कितना आकाश में घूमने की सैर सपट्टे की तैयारी कर रहे हैं। हमने इस शिक्षा का लाभ उठाना था अपने सदग्रंथों को पहचान कर, भगवान को पहचानना है इस सदग्रंथों को देखकर। तो आप आसानी से समझ सकते हो, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बुद्धिमान आ गए हैं, इनकी पिछली कमाई बहुत पुण्य है जो अब इनका जन्म हो रहा है इस समय में। और ये कितने इंटेलिजेंट हैं, कंप्यूटरों का रेल बना दें कंप्यूटर पर बैठ के एक मिनट में, अरिशेष है मोबाइल चला दें छोटे छोटे बालक। तो अब ये बहुत आसानी से समझेंगे परमात्मा को, और परमात्मा पाना कोई मुश्किल नहीं, उसको समझना कठिन था। अब देखिए आठवें अध्याय का प्रथम मंत्र, गीता जी अध्याय नंबर 8 और मंत्र नंबर 1। इसमें पूछा है अर्जुन ने, अर्जुन वाच किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्चते। इसका यहाँ जिक्र आया था, ये सातवां अध्याय बिल्कुल साथ में है, इसमें 30 श्लोक है सातवें अध्याय का और ये 29वां श्लोक यहाँ नीचे लिखा है इसकी संस्कृत। इसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्तिये ते ब्रह्म तत्विदु। तत्ब्रह्म, ब्रह्म तत् कहो चाहे तत्ब्रह्म कहो, ते माने वे, तत्ब्रह्म माने उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को, विदु माने जानते हैं, कर्षनम माने सारे अध्यात्म को जानते हैं, कर्म च अखिलम और सारे कर्मों से परिचित हैं, वो केवल इस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, वो जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित, मेरे इस ज्ञान का आश्रित करके के तत्वदर्शी संतों की खोज कर लो, उसके उससे समझ लो, उसके पश्चात वो जन्म मरण से मोक्ष की ही इच्छा करते हैं। ये उन्होंने अनुवाद किया है, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म है उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। इसमें प्रथम आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में प्रश्न किया अर्जुन ने, तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, किम वह तत् माने वह, ब्रह्म माने ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है। इसका तीसरे मंत्र में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने, श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 8 श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 8 के मंत्र 3 में। वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षरम ब्रह्म, परमम अक्षरम ब्रह्म, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ अब आएंगे हम इस 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में। पुणात्मा आज का मानव बहुत बुद्धिमान हो गया है और बहुत आसानी से समझोगे, जब तक आप आंखों नहीं देख लोगे इन प्रमाणों को, आप आज तक इसलिए विचलित रहे आप मान नहीं सकते, और इन प्रमाणों को देखकर भी आप नहीं मान सकते तो आप भक्ति के योग्य नहीं हो, आपको परमात्मा नहीं चाहिए, फिर आप तो ड्रामा करने आए हो संसार में। और मूल उद्देश्य इस मानव शरीर का केवल परमात्मा पाना है, मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माँ और सतगुरु सेवा और बंदगी या फिर मिलन की ना, जन्म जहाँ जन्म पाओगे वहीं माँ मात पिता मिल जाएंगे, संतान मिल जाएगी, पशु बनोगे वहाँ मिल जाएंगे, पक्षी बनोगे वहाँ मिल जाएंगे, मनुष्य बनोगे वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन ये जो वर्तमान में जो ज्ञान चल रहा है ये आपको फिर मिलन का ना। आगे देखो अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16। इसमें दो प्रभु बताए हैं, दो पुरुष, दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, शर च अक्षर सर च अक्षर, हम संत भाषा में इसको छर बोल देते हैं, यानी समझने में आसानी हो जाए, छर अक्षर हमारे संत भाषा में, लेकिन इस भाषा में तोतला बोलना पड़ा है, थोड़ा कम समझ में आवे, इसलिए हम सीधे बोलते हैं छर और अक्षर। तो यहाँ इसको इस भाषा में बोलें सर और असर, सर अक्षर, ये शर पर हम बोलते हैं सर यानी अक्षर, ये दो भगवान है, छर पुरुष और अक्षर पुरुष। और
सर सर्वाणी भूतानी कटुष्ट अक्षर उचित, इन दोनों के लोकों में क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। ये अक्षर ब्रह्म भी कहलाता है, ये अक्षर ब्रह्म भी कहलाता है। इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी बोल सकते हैं। पुरुष माने प्रभु, ब्रह्म माने भी प्रभु। और इनके लोक में सभी प्राणियों और इनके स्थूल शरीर तो नाशवान है, सर है, और आत्मा अविनाशी है। ये देखो अनुवाद ही नहीं कहा, इस संसार में नाशवान और अविनाशी, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, दो प्रकार के प्रभु हैं। क्षर पुरुष कहो चाहे क्षर ब्रह्म कहो, दो प्रकार के प्रभु हैं, परमात्मा हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी है। यानी इनके लोक में ये इनके समेत भी इनके सब स्थूल शरीर तो इनके नाशवान है, जीवात्मा किसी की बिना मरती, गधे की कुत्ते की वो तो अलग बात है। आगे देखो सत्रहवें में तीसरा परमात्मा बताया है, परम अक्षर ब्रह्म। क्या कहा है, उत्तम पुरुष है तो अन्य पुरुष माने परमात्मा। इस संसार में अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, क्षर सर यानी सर पुरुष और अक्षर, नाशवान और अविनाशी, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, इस पुरुष को हम यहाँ भी लगा सकते हैं। दो प्रकार के पुरुष हैं, पुरुष छोड़ दिया ना लिख कर, या भगवान लिखना था, प्रभु लिखना था, ब्रह्म लिखना था, दो प्रकार के ब्रह्म हैं। और वास्तव में सत्र में श्लोकों का कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो श्रेष्ठ प्रभु अविनाशी परमात्मा तो ऊपर वाले दोनों से कोई और है। वो कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता जी दैन विराट के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में 3 में बताया है, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये लोक तर्यम, जो तीनों लोकों में आविश्य विभर्ति प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अवय ईश्वर है, अवय माने अविनाशी, ईश्वर माने सब माल, सबका मालिक। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, उत्तम प्रभु ऊपर वालों से कोई नारा ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके है, यानी वो यहाँ आता है प्रभु और सबका धारण पोषण करता है, यानी सबको यथार्थ ज्ञान और सत भक्ति से परिपूर्ण करता है, उनका पालन पोषण और अपनी तरफ से अलग से धन देकर उनका पोषण करता है अपने कोटे से। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपने आत्माओं, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सर पुरुष और अक्षर पुरुष ये उत्तम पुरुष नहीं है, ये श्रेष्ठ प्रभु नहीं है। इसलिए 17वें श्लोक में कहा है, 15वें अध्याय के गीता जी में, कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो परमात्मा कहते हैं, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। आगे ना फिर इसमें एक उलझा देंगे आपको, थोड़ा बताना पड़ेगा। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये क्या कहता गीता ज्ञानदाता, कि मुझे लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम मानते हैं, क्योंकि जितने प्राणी मेरे किस ब्रह्मांड में, उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे थोड़ा श्रेष्ठ हूँ, उनसे मैं प्रभावशाली हूँ, इसलिए लोक वेद में मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, क्योंकि वो तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो तो कोई और है। और ये यह कहता मुझे तो लोक वेद सुना सुनाया ज्ञान जो सच्चा नहीं हो, लोक वेद अक्षेत्रीय ज्ञान, उसमें मुझे परमात्मा कहते हैं। जैसे ये दास, हम सभी पहले लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर मानते थे, इनके कोई माता पिता नहीं है ऐसा मानते थे। अब ये तत्वज्ञान की रोशनी में हमें दिखाई दिया कि ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है। तो लोक वेद से हम इनको अजरो अमर मानते थे, सर्वेश्वर मानते थे, मृत्युंजय मानते थे, कालज्ञ मानते थे। ऐसे ये गीता ज्ञानदाता कहता है मुझे लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि मैं, मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनते तगड़ा हूँ, उनका कंट्रोलर हूँ। ये देखो 15वें अध्याय 18वां श्लोक, 17वां आपने पढ़ लिया। यस्मात् सर्वम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि त उत्तम, अतः अस्मी लोके, अस्मी लोके वेदे, अस्मी माने इस मेरे वाले लोक, मेरे
लोके वेदे लोक वेद में प्राच्य प्राथित पुरुषोत्तम, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में, लोक वेद में ये लोके वेदे यानी लोक वेद में दंत कथाओं के आधार पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इसका ये अर्थ बना, अर्थ इन्होंने गलत किया थोड़ा सा। अब ये क्या कह रहा है कि जो मेरे अंतर्गत, चाहे तो ये स्थूल शरीरधारी प्राणी है चाहे जीवात्मा है, इनसे मैं उत्तम हूँ, इसलिए लोक वेद से आधार पर मन पुरुषोत्तम कह मैं प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया उत्तम पुरुष तो कोई और है और वही अविनाशी परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रसंग चल रहा था धर्मदास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा इन सब से कहिए एक रोम नियारा, यही कथा जग जीव सुनावो सब जीवों का भ्रम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।